नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि आज क्या है, मैंने कौन कौन से चीजों की जो है शॉपिंग की है, अपने गार्डनिंग शॉपिंग वही आपके साथ जो है शेयर करने जा रही हूँ। एक्चुअली शॉपिंग मैंने नहीं की है बट मैंने मंगवाए हैं, तो चलिए दिखाती हूँ मैं क्या क्या आया हुआ है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे दो पॉली बैग है, तो चलिए दिखाती हूँ मैं क्या है इन पॉली बैग के अंदर। तो यहाँ पे देखिए, ये कुछ वेजिटेबल्स के जो है सीडलिंग्स हैं, हमारे गर्मियों की वेजिटेबल होती है उनकी सीडलिंग्स है। गर्मियों में ज्यादातर वेजिटेबल ऐसी आती हैं दोस्तों जो वाइन होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये है जो बोतल गार्ड नहीं, सच्ची विटर गार्ड होते हैं करेले की जो है दो सीडलिंग्स हैं, दो पौध हैं। तो अगला ये देखिए, ये भी करेला ही है। तो ये जो है ये छोटे छोटे साइज में करेले आएंगे, और जो पहले मैंने आपको दो दिखाए उनके जो करेले की साइज है थोड़े से बड़े साइज में आएंगे। और ये जो तीसरा पौधा है ये है तर का, यानी कि जो खीरे होते हैं, लंबे वाले खीरे होते हैं, ये उनके हैं। तो चलिए दिखाती हूँ, एक लास्ट बचा है, इनको देखते हैं कि ये किस चीज का है। तो देखिए दोस्तों, ये है जो टिंडे होते हैं, ये उनके पौधे हैं, टिंडे के पौधे हैं। तो ये एक पीस है जो है, और ये सारे जो सीडलिंग्स हैं ये 10-10 रुपीज में आए हुए हैं, तो काफी अच्छा है और ठीक है। तो अगर आपने सीडलिंग नहीं लगाए हैं तो आप परचेज करके जो है पौधे को लगा सकते हैं। नर्सरी वाले दोस्तों ऐसे ट्रे में लगा के रखते हैं और एक एक करके क्या वो सेल आउट करते हैं। तो देखिए, सारे मेरे जो पौध है, ये इतने सारे जो है पौधे जो है मंगाए मैंने। और एक जो है लॉन्ग मेलन जो होती है ककड़ी, उनके जो है सीड है, तो ये मैं खुद जो है लगाऊंगी। ये लगाए हैं मैंने, दो जर्मिनेट हुए थे लेकिन एक क्या है सूख गया है और एक बचा हुआ है पौधा। और ये मंगाए हैं मैंने, तो इनको भी क्या है मैं लगा दूंगी। लॉन्ग है ये, थोड़े से लंबे में जो आते हैं जिनको तर बोलते हैं, ये वो है। तो चलिए दोस्तों, लगाने के बाद पता चलेगा कि इनकी सीडलिंग कितनी हेल्दी है। तो अब दूसरे पॉली बैग को खोलते हैं, इनमें क्या है। तो दोस्तों इनमें क्या है, मैंने फर्टिलाइजर मंगाए थे, और सबसे पहला ये देखिए, ये है स्प्रे बोतल। देखिए अभी क्या है, गर्मियां आ गई, तो गर्मियों में सबसे पहला जो वर्क होता है स्प्रे करना पौधों के ऊपर। और स्प्रे बोतल जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला जो कंटेनर है हमारे गर्मियों में, तो इसका जो होना तो गार्डन में लाजमी है। मेरे पास था तो क्या है वो ज्यादा चला नहीं, बहुत जल्दी खराब हो गया। तो उसके बाद क्या है, मैं जुगाड़ करके जो हमारे क्लीनिंग वाले स्प्रे बोतल आते हैं उनसे काम चला रही थी। तो फाइनली क्या है मैंने इनको मंगा लिया, क्योंकि अभी क्या है जितने भी मनी प्लांट होते हैं उनमें भी मिस्टिंग करना बहुत जरूरी है, और इंडोर पौधे होते हैं तो उनमें भी, तो बाकी सारे पौधों में भी करना जरूरी है, क्योंकि गर्मियों में इसकी जो है रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो स्प्रे बोतल बहुत जरूरी है। और यहाँ पे मैंने डीएपी जो है डीएपी भी मंगवाए हैं, क्योंकि फूलों के लिए जो है हम डीएपी, जो डीएपी केमिकल फर्टिलाइजर होता है, तो इनके ग्रेनुअल है ये थोड़ी सी ज्यादा डार्क चारकोल कलर में है। तो फ्लावरिंग वाले जो पौधे होते हैं क्या, उनमें मैं डीएपी का इस्तेमाल करती रहती हूँ, वैसे खाने वाले जो चीजें होती है उनमें नहीं करती हूँ, लेकिन जो मैं फ्लावर लगाती हूँ उनमें जो है कर लेती हूँ। और दूसरा फर्टिलाइजर क्या है, मैंने बोन मिल मंगाए हैं। एक्चुअली मैं बोन मिल का इस्तेमाल तो करती नहीं थी अपने गार्डन में, बट फिर भी क्या है मैंने मंगा लिए, अब मैं इनका इस्तेमाल करूंगी अपने गार्डन में, ग्लव्स वगैरह डाल के जो है कर लूंगी। प्लांट से प्यार है तो दोस्तों सब कुछ जो है मंजूर होता है। अगर आप प्लांट लवर हैं तो आप इस बात को जो है समझ सकते हैं। और मैंने क्या है, ये 5 kg के जो है बर्मी कंपोस्ट मंगाए हैं, 100% ऑर्गेनिक। तो इतना सारा सामान जो है आज की परचेज है।